अक्षय कुमार बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिनके पास दर्जन से भी ज्यादा फिल्में लाइंड अप हैं। कुछ फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, कुछ की शूटिंग चल रही है तो कुछ फिल्मों की शूटिंग शुरू करना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि अनलॉक होने के बाद अक्षय बिल्कुल मशीन की तरह अपना काम शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अक्षय फटाफट एक के बाद एक अपनी फिल्मों की शूटिंग और पेंडिंग स्केड्यूल्स को निपटा रहे हैं। यानी अक्षय कोरोना काल में भी सबसे तेज स्पीड से फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। और बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून को जहां उन्होंने आनंद एल रॉय की रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू की, वहीं 23 जून आते आते उन्होंने यशराज बैनर की पृथ्वीराज की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। उनके करीबियों ने इस बात की कंफर्मेशन भी की है। अक्षय से जुड़े सोर्सेज ने बताया है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी बहुत हद तक पूरा हो चुका है, फिल्म की एडिटिंग भी पूरी हो चुकी है और VFX वाले हिस्से बस पूरे किए जा रहे हैं। बैनर की कोशिश इसे इसी साल दिवाली पर रिलीज करने की है। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने बताया है, अक्षय कुमार ने VFX के मद्देनजर बोल्ट ऑन ट्रैक स्केड्यूल पूरा किया। उन्होंने 11 जून से ही इसके खाते शूट रिज्यूम कर लिया था। ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो में की गई। एक दिन का स्केड्यूल फिल्म सिटी के हेलीपैड पर था। अक्षय कुमार के अलावा सोनू सूद ने भी शूटिंग रिज्यूम कर दी थी। मनुषी छिल्लर पहले ही शूट कम्प्लीट कर चुकी थी, वो 11 जून से 23 जून वाले पोर्शन में नहीं थी। तकनीकी तौर पर बोल्ड शूट उस सिचुएशन में यूज होता है जब असल एक्टर किसी कारणवश सेट पर ना हो, और चूंकि 18 जून से अक्षय रक्षाबंधन की तैयारियों में जुट रहे थे, ऐसे में 11 जून के बाद 3 से 4 दिन उनके शॉट ले लिए गए। उसके बाद बोल्ड शूट के जरिए 23 जून तक उनके सीन्स फिल्माए गए। सोर्सेस ने ये भी बताया कि फिल्म के वॉर सीक्वेंस जरूर स्टूडियो के बजाय आउटडोर में शूट किए गए। उसके लिए टीम जयपुर से 250 किलोमीटर दूर धौला गांव गई थी। वैसे धौला गांव में ही वॉर सीक्वेंस फिल्माने की अपनी वजह थी, वो ये कि उन सीन में दर्जनों हाथी घोड़ों के साथ अक्षय, सोनू सूद, संजय दत्त और बाकी कलाकारों के एक्शन सीन्स फिल्माए जाने थे और विदेशों से ट्रेंड घुड़सवारों को बुलवाया गया था और अक्षय ने 21 किलो के बख्तरबंद पहन वॉर सीन्स फिल्माए। वैसे अक्षय के करीबियों ने एक और बात बताई, वो ये कि पृथ्वीराज उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसे शूट करने में तकरीबन 110 दिन लगे। ज्यादातर अक्षय अपनी हर फिल्म 30 से 40 दिनों में पूरी कर लेते हैं। जाहिर है कि अक्षय फुल स्पीड से अपने काम को निपटाने में जुट गए हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं जिनकी अब तैयारियां शुरू करनी है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जिस स्पीड से अक्षय काम कर रहे हैं, उस स्पीड से बॉलीवुड के किसी भी स्टार की शूटिंग करने की हिम्मत नहीं हुई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।